हम लोग खड़े होने करके करने वाले आसन करेंगे। क्या करेंगे? खड़े होकर के। अब दो दो तीन दिन ही करवाएंगे, ज्यादा नहीं करवाएंगे। तो पैर की स्थिति 2 से 3 उंगल की दूरी हमारा बॉडी के बराबर, दोनों पैर को रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथ को इस प्रकार से मिला लीजिए सभी लोग। अब लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पंजे के ऊपर में ऊपर लेकर के जाए। किसी एक चीज को देखें, नजर को जमा दें, मन में गिनती करें, कम से कम 100 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78,
ऊपर आप रुके रहते हैं तो श्वासों को आप सामान्य कर सकते हैं, श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। जब नीचे आते हैं तो श्वासों को छोड़ते हुए तेजी के साथ बाहर चले आ जाएंगे। ये कौन सा आसन था? ताड़ासन। कौन सा आसन? ताड़ासन। आप करेंगे वृक्षासन। बच्चे लोग वृक्षासन मालूम है? अपने एक पैर की एड़ी को मल द्वार के पास लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आसन था वृक्षासन। वृक्षासन का मतलब ये होता है स्थिरता, अपने शरीर को स्थिर करना, बैलेंस करना ही वृक्षासन का काम होता है। बहुत बढ़िया, लेडीज लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये था कौन सा आसन? वृक्षासन। अब दोनों हाथ को ऐसे मिला करके रखेंगे। चलिए, अब श्वासों को छोड़ते हुए बाईं साइड में जाएंगे और फिर श्वासों को लेते हुए सामने आएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए फिर दाहिनी साइड में जाएंगे। तो इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। कौन सा आसन बोलते हैं? तिर्यक ताड़ासन। श्वासों को छोड़ते हुए बाएं, श्वासों को लेते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए दाहिनी साइड। ये कौन सा आसन था? तिर्यक ताड़ासन। जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा है, साइड की जो चर्बी ज्यादा है, उनकी चर्बी क्या होती है, इसे कम हो जाता है। तो जिन लोगों का ज्यादा है वो लोग बस ज्यादा नहीं, इतना भी अगर करेंगे तो यहाँ पे पूरा खींचा हुआ आता है और यहाँ की चर्बी क्या होती है, गल जाती है। तो पेट, मोटे पेट वाले के लिए तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन सही ढंग से नहीं हो रहा है, पेट खराब, पूरा बीमारी का जड़ कौन सा है? हमारा पेट ही है। सही ढंग से खाना नहीं पचता, सही ढंग से विटामिन हमारे शरीर को नहीं मिलते और हमारा शरीर अस्वस्थ होता चला चल जाता है। तो ये खड़ा होकर के करने वाले कुछ करा दिए और भी करा, तो आप बैठ जाइए सभी। समय नहीं है इस वजह से थोड़ा कम ही करवा रहे हैं आप लोग को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि इसका अगला भाग भी आप देख सकें और हर वीडियो अब तक पहुँच